बेरीनाग व्यापार मंडल की ओर से पिछले दिनों जिला स्तर पर बेरीनाग के 3 व्यापारियों को दायित्व मिलने पर शहीद स्मारक बेरीनाग में व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत के नेतृत्व में एक स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिला मंत्री पंकज कार्की, जिला उपाध्यक्ष कमलेश पंत, दीपक बोरा और बेरीनाग व्यापार मंडल की कार्यकारी में हेमंत कुमार और सुनील कुमार का माल्यार्पण कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष किया जाएगा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री जनक जोशी जी का और महामंत्री नवल किशोर रावल जी का कि आप लोगों ने हमें तक दायित्व सौंपा है। और मैं उसके साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा बेरीनाग व्यापार संघ अध्यक्ष श्री राजेश रावत जी का कि आपने हमें आगे आने का मौका दिया। जिला कार्यकारिणी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और आने वाले शहर के अंदर में जितने भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, चाहे वो जन भागीदारी के लिए हों, स्कूली शिक्षा से रिलेटेड हों, स्वास्थ्य से रिलेटेड हों, उसमें हमारी भागीदारी बिल्कुल बराबर की रहेगी। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलौर विधानसभा पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आज का दिन भगवान विश्वकर्मा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है। वे देवताओं के लिए आश्रमों और शहरों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। बागेश्वर में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी का आरोप लगाया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जल्द से जल्द विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत डसीला के नेतृत्व में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे, जहां शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। कांग्रेस का कहना है कि विधायक ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11,00,000 रुपए इनाम देने की बात कही है, जो अमर्यादित बयान के साथ ही कानून को चुनौती देने वाला बयान है। के विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा जिस तरीके से विवादित जो बयान दिया गया है, उसके खिलाफ हम समस्त जनपद बागेश्वर के कांग्रेस जन यहाँ पर को एक मुकदमा कायम करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ये विवादित बयान दिया है कि राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी जीभ काटने के एवज में 11,00,000 रुपये की घोषणा उनके द्वारा की गई है, जो कि सरासर एक कानून का उल्लंघन है। इसलिए हम बागेश्वर जनपद कोतवाली में हम FIR दर्ज करने पहुँचे हैं। हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी भारतीय दंड न्याय संहिता है उसके तहत उनका कानूनी कार्रवाई होगी और मुकदमा दर्ज होकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बेरीनाग में मेले का शुभारंभ महिलाओं की ओर से तपेश और मंदिर से नाग मंदिर तक भव्य छोलिया नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। मेला समिति के अध्यक्ष इंद्र धानिक ने बताया कि मेले का उद्घाटन रात्रि को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की ओर से किया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ झोड़ा चांची और विभिन्न गाँव की झांकी भी आएगी। बागेश्वर में कांग्रेस नेता वर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्यामा कपकोट और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने पत्रकार वार्ता की और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एठानी ने कहा कि आपदा से संवेदनशील जनपद का कपकोट ब्लॉक क्षेत्र में विद्यालयों के भूगर्भीय जांच और आपदा के मानकों में उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद बागेश्वर आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें कपकोट क्षेत्र अति संवेदनशील श्रेणी में आता है, जिसके कई गांव कई वर्षों से विस्थापन की बात पर अटके हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही थी। किंतु अब हरीश एठानी की पहल पर जिलाधिकारी बागेश्वर को तत्काल जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। जो मूलभूत जो समस्याएं हमारे पहाड़ की हैं, सबसे बड़ी समस्या भाई आपदाग्रस्त मानकों में बदलाव। जब भवन गिर रहा है पहाड़ में किसी व्यक्ति का, तो ये मानते हैं कि 70% से ऊपर होगा तो मुआवजा आपको 1,30,000 देंगे, 30% से ऊपर होगा तो 1,00,000 रुपये देंगे 70% तक, और 70% से ऊपर होगा तो 1,30,000 रुपये देंगे। तो कहीं ना कहीं इस दबाव पे सरकार ने गैरसेण में ऊँट के मुंह में जीरा वाले काम करा है। तो कहीं ना कहीं 1,30,000 से बढ़ाकर 70% को ही मानक रखते हुए कि 70% भवन यदि आपदाग्रस्त होगा तो उस पर 70,000 रुपये बढ़ाने का काम सरकार ने जरूर किया, जो नाकाफी है। दूसरा, जो कमाऊ सदस्य है उसके लिए मैंने 25,00,000 रुपये की मांग रखी थी, उस पर कोई संशोधन नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, जनपद के विद्यालयों में, क्योंकि हमने एक आपदा देखी है जिसमें 18 बच्चे हमारे जिंदा दफन हुए थे उस विद्यालय में,
तो विद्यालयों की भूगर्भीय सर्वेक्षण, क्योंकि पहाड़ की आपदा खाली बारिश की आपदा नहीं है, उच्च हिमालयी क्षेत्र में हमारे चले जाएंगे तो मल्ला दानपुर के क्षेत्र में, बिजला दानपुर के उच्च हिमालयी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ विद्यालय जो हैं, बर्फबारी भी एक आपदा है वहाँ के लिए। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।